को शाही स्नान कराएंगे, क्योंकि आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के दिन जो कान्हा जी का हमारा स्नान होता है वो बहुत ही विशेष होता है। और इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा बाउल लिया है और मैं हर बार इसी तरह से स्नान कराती हूँ, तो आज मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी। कान्हा जी का स्नान करने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 1 कटोरी दूध, 1 कटोरी दही, 2 चम्मच शहद, 1 चम्मच देसी घी और 1 से 2 चम्मच चीनी या बूरा, गंगा जल, कुछ तुलसी के पत्ते। तो चलिए इनका शाही स्नान शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कान्हा जी को एक बाउल के अंदर बिठा दिया है, इसको हम इनका टब भी बोल सकते हैं। और सबसे पहले मैं कान्हा जी को दूध से स्नान कराऊंगी, और स्नान को कराते समय हमें अपने जो आप चाहें तो ओम गोविंदाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, कोई सा भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे मन में एक भक्ति भाव जागृत होता है, और दूसरी बात हमें इनको स्नान कराते कराते हम भगवान का नाम भी लेते रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे पहले कान्हा जी को दूध से स्नान कराया जाता है, उसके बाद दही से स्नान कराया जाता है। तो देखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। दही से स्नान कराने के बाद हम कान्हा जी का हमें शहद से हम स्नान कराते हैं। देखिए इस तरह से, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। और इसके बाद हम घी से स्नान कराएंगे। घी से स्नान के लिए हम यहाँ पर केवल 1 से 2 बूंदे ही घी डालेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा घी कान्हा जी के ऊपर डालेंगे तो वो सारे कान्हा जी चिपक जाएंगे, इसलिए हम केवल 1 से 2 बूंद का ही इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, और घी से स्नान कराने के बाद अब हमारा आता है चीनी या बूरा से स्नान। तो देखिए यहाँ पर मैंने चीनी को पीस कर ही बूरा बना ली है, तो आप धीरे धीरे इस तरह से देखिए, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप धीरे धीरे इनके शरीर को बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्टली इनके मतलब शरीर को अच्छे से साफ करेंगे, जिससे जैसे हम अपने बच्चे को नहलाते हैं बहुत ही प्यार से और आराम से, वैसे ही हमें सेम कान्हा जी के अंदर, क्योंकि वात्सल्य रूप दिखाई देता है इस जन्माष्टमी पर, तो इसीलिए हम इनको बिल्कुल बच्चे की तरह ही इनको हम अच्छे से नहलाएंगे। घी से नहलाने के बाद और बूरा से नहलाने के बाद अब सबसे लास्ट में हम ये जो गंगा जल ने लिया है, गंगा जल से इनको स्नान कराएंगे। ये देखिए, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। अब हमारे जो कान्हा जी हैं उन्होंने अच्छे से शाही स्नान कर लिया है, अब इनको हम इसमें से निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और जो इनके ऊपर एक्स्ट्रा शहद या दही कुछ भी लगा है वो हम इसको इस बाउल में डाल देंगे। और इसके बाद हम एक दूसरा छोटा बाउल लेंगे, कान्हा जी को उसमें बिठा देंगे, और इसके बाद हम कान्हा जी को कराएंगे सादे पानी से, यानी कि पानी के अंदर गंगा जल डाल के उससे हम स्नान कराएंगे, ताकि जो इनके ऊपर थोड़ा शहद या घी या थोड़ा सा दही दूध जो भी लगा है वो सब हट जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से, ये देखिए फ्रेंड्स, इनको स्नान कराना बहुत ही अच्छा लगता है, मन में एक भक्ति के भाव जागृत होते हैं और
इतना अच्छा लगता है, आप करा के देखिए, बहुत अच्छी फीलिंग आपको आएगी, आप बिल्कुल भक्ति में हो जाएंगे। और जब भी इनको स्नान कराएं, इनका इनके कोई से भी मंत्र का उच्चारण आप करते रहें। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो। अब देखिए जो मेरे कान्हा जी हैं, उन्होंने अच्छे से स्नान कर लिया है, बिल्कुल हमारे जो कान्हा जी हैं उनका शरीर बिल्कुल अच्छे से साफ हो गया है, और मैंने इनको बहुत ही अच्छे से नहलाया है, इनको शाही स्नान कराया है। और अब मैं इसको अपने कान्हा जी को एक बिल्कुल साफ कपड़े में, जो इनका टॉवल या हैंकी कुछ भी हो सकता है, उसमें मैं इसको रखूँगी उनको, और धीरे धीरे मैं इनके जो ये, क्योंकि हम भी नहाने के बाद टॉवल से पहुँचते हैं, तो धीरे धीरे हम अपने कान्हा जी को आराम आराम से इनके शरीर को पहुँचेंगे, जैसे हम अपने बच्चे के शरीर को पहुँचते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो कान्हा जी हैं नहाने के बाद कितने खूबसूरत, कितने सुंदर हो गए हैं, आपको भी दिख रहे होंगे, मुझे तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। वैसे तो मुझे रोज़ ही बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन देखिए मेरे कान्हा जी कितने साफ़ हो गए हैं, कितने सुंदर हो गए हैं स्नान करने के बाद। तो ये था इनका शाही स्नान, और अब इनका शाही स्नान पूरा हो गया है, उसके बाद हम इनको वस्त्र बनाकर इनको सजाएंगे। फ्रेंड्स, जिसमें हमने इनको शाही स्नान कराया था, ये जो हमने इसमें जो सामान डाला था, इसमें हमने शहद और दूध दही, ये बूरा गंगाजल और घी डाला था, तो आप इसको बिल्कुल फेंकिए मत, क्योंकि ये हमारा प्रभु के श्री चरणों का अमृत है, तो हमारा ये चरणामृत बन गया है। इसमें हम थोड़े से 10 से 12 तुलसी के पत्ते डाल देंगे, और इसको हम कान्हा जी का भोग समझकर सभी परिवार के सदस्य जो हैं वो इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे, और हमें आज प्रभु के चरणों का चरणामृत मिल गया है, ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो आप इसको बिल्कुल ना फेंकें, यही जो चरणामृत हम बोलते हैं या हम पंचामृत बोलते हैं वो यही होता है, और इसको हम अच्छे से चला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल हमारा चरणामृत रेडी है, क्योंकि हमारे कान्हा जी ने इसमें स्नान किया है, तो उनके शरीर से होते हुए, उनके चरणों से होते हुए हमें ये प्रसाद मिला है, तो हमारा ये बहुत सौभाग्य है। तो आप इसको चरणामृत के रूप में सभी लोग, जितने परिवार के सदस्य हैं, इसको ग्रहण कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।